नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आसमान में उड़ते प्लेन को देखकर अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि बड़े होकर हम भी प्लेन उड़ाएंगे, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारा ये सपना सपना बनकर रह जाता है और दूसरे सपने के पीछे हम भागने लगते हैं। लेकिन सानिया मिर्जा ने अपना ये बचपन का सपना पूरा ही कर लिया। सानिया की इस कामयाबी पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की एक लाइन याद आ गई, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। सानिया ने भी ऐसे सपने देखे जिसे पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। खबर में आगे बढ़े उससे पहले एक मिनट रुकिए, कहीं आपने सानिया मिर्जा के नाम से आप टेनिस खिलाड़ी के बारे में तो नहीं सोच रहे? जी नहीं, ये सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी वाली सानिया मिर्जा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सानिया है। मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई। वैसे सानिया के लिए आसमान में उड़ना आसान नहीं था। पिता टीवी मैकेनिक, माँ हाउसवाइफ, लेकिन कहते हैं ना, माता पिता हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। बस सानिया के सपने को पंख देने में पूरी मदद की उसकी माँ और पिता ने। आइए सानिया के मम्मी पापा से जानते हैं कि उनकी बेटी की इस कामयाबी पर वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बहुत खुशी है और हमारे जिले में उसने नाम किया और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है, मुझे खुशी है। कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या सफ़र रहा, वो आप करते क्या हैं? हम टीवी मैकेनिक हैं और एलसीडी टीवी का काम करते हैं। बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। ये तो हम बता नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इस विलेज का और इस माँ का इतना बड़ा मान रखा, सम्मान रखा, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग कभी ये सब नहीं कर पाए, पर हमारी बच्ची ने हमारा वो सब कुछ, हमारा मान सम्मान सपना सब कुछ पूरा कर दिया। हम ये बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बच्ची ने अपनी माँ का इज्जत रख लिया, अपनी माँ को वो हर एक चीज़ से, हमारी बच्ची ने हर एक चीज़ से बचा लिया और साथ ही साथ एक लेडीज़ एक गर्ल हर लोगों को ये अपना शिक्षा दे दिया कि हाँ, एक गांव की बच्ची, ऐसे घर की बच्ची, ऐसे परिवार की बच्ची जहाँ जिस बच्ची को कोई भी नहीं जानता इस गांव से, उसने इतना बड़ा काम किया। भगवान उसे हर भला से बचाए और इसी तरह अपना नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। हालांकि कहते हैं ना कि हर उजाले के पीछे अंधेरा जरूर होता है, ठीक वैसे ही सानिया की इस खुशी के पीछे उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। और सानिया मिर्जा को ये कामयाबी एक बार में नहीं मिली, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम सानिया ने पहली बार में पास नहीं किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। बता दें कि सानिया मिर्जा देश की पहली फाइटर जेट पायलट अवनी चतुर्वेदी को अपना आदर्श मानती है और बचपन से ही उनकी तरह लड़ाकू विमान उड़ाने का सपना देखती थी। ऐसे में सानिया अब खुद देश की दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट बन गई, जिससे उनके सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बल्कि गांव वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं। सानिया से जानते हैं कि वो अपनी इस कामयाबी पर क्या कहना चाहती है। मैंने NDA 149th कोर्स के लिए इस एग्जाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27th December को मैं NDA ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वाज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपने 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं, और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फ़ाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी, तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो जो आज के गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर NDA की वैकेंसीज आई, 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हुई।
कैसा लग रहा है अंदर से, कितनी खुशी है आपको? देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। जो यहाँ की स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ, लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं जो बहुत कम लड़कियाँ हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरली लड़कियाँ ट्वेल्थ करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज़ इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा, हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई, और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। इसलिए अगर मंजिल मिलने में थोड़ी बहुत रुकावट आए तो परेशान मत हो, क्योंकि आपकी हार आपके हौसलों से बड़ी नहीं होती, और एक दिन यकीन मानिए आप भी सानिया की तरह आसमान में उड़ने का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। सानिया की इस कामयाबी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।